नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर और आप सबका हृदय से हार्दिक धन्यवाद शुक्रिया कि आप मेरे इस प्रोग्राम को राशीज के सीरीज को जो वीपी गोयल जी के साथ जा रही है और पराश्री नियमों को भी पसंद कर रही है। मित्रों, आज एक बात जो मैं सबसे पहले कहना चाह रही हूँ, क्योंकि तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन कौन सी क्लासेस करते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो बहुत जल्द योगिनी और विशोंतरी दशा के साथ 27 नक्षत्रों के बारे में क्लास मैं शुरू करने जा रही हूँ, यानी 27 नक्षत्र विद योगिनी एंड विशोंतरी दशा का कॉम्बिनेशन। इन दो दशाओं के साथ कॉम्बिनेशन के साथ आपको नक्षत्र की क्लास मिलेगी। 30 क्लासे होंगी क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और बहुत सारे लग्न बन जाते हैं, एक एक नक्षत्र के 12 भाव हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको प्रॉपरली समझाया जाएगा। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर मुझे अगर मैसेज भेजते हैं तो यूट्यूब हम रोजाना चैटिंग की तरह खोलकर नहीं देखते, तो इसलिए बेटर है अगर आपको किसी क्वेरी का डिटेल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करें या ईमेल करें, मैं अपने समय अनुसार आपको उसका उत्तर अच्छे से दे पाऊंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पराश्रीय नियम और सूत्रों के ऊपर। आज का मेरा लगन जो है वह कर्क लगन है, क्योंकि कर्क लगन हम श्री वीपी गोयल जी से जान चुके हैं किस प्रकार से कार्य करता है। कर्क लगन इमोशनल राशि, केकड़े की राशि, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति से, जिस भाव से या जिस किसी से भी संबंध बनाए, केकड़ा उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाता है, चाहे वो उसका वर्क हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो या उसका प्रेमी हो या मित्र हो। तो प्रेम तो लगभग सभी राशियों में दिखता है पंचम का संबंध बन जाए, लेकिन केकड़ा राशि का, कर्क राशि का जो संबंध है वो इस प्रकार का है कि उसके सप्तम में शनि होता है। शनि और चंद्र का संबंध माता और पुत्र के समान भी है, यानी कैंसर लगन वालों के लिए वह प्रेम इस प्रकार का है जिस प्रकार माता स्वयं को दुख देकर भी पुत्र के लाभ की इच्छा रखती है, उसी प्रकार कर्क वाले जिस किसी को प्यार करते हैं वो स्वयं को दुख देकर भी, उन्हें मालूम होता है मैं जिससे प्रेम करता हूँ उससे मुझे दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, फिर भी वह प्रेम करना या उसके प्रति लगाव नहीं छोड़ता, क्योंकि इसका सिंबल केकड़ा है। केकड़ा जिस किसी को भी जकड़ लेता है वह अपने पंजे चाहे टूट जाए लेकिन वो अपनी पकड़ को नहीं छोड़ता, उसकी पकड़ मजबूत होती है। इसी प्रकार कर्क लगन वालों की लगाव, लगन बहुत मजबूत होती है, चाहे ये चंचल राशि है लेकिन ये प्रेम की राशि है, इमोशनल राशि है। तो आइए आज इस राशि के बारे में और बात करते हैं। मैं अपना आपके सामने पावर पॉइंट शेयर कर रही हूं, ज्योतिष के गूढ़ सूत्र। हमारा ये पांचवा भाग चल रहा है। कर्क लगन के लिए गुरु विशेष धनदायक सिद्ध नहीं होता, ये एक पराश्री नियम है और हमारे गोयल सर भी ऐसा मानते हैं।
और यहीं पर कर्क लगन के लिए जुपिटर जो है मूल त्रिकोण का हो जाता है, नवमेश भी होता है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ती है, जिसके कारण जुपिटर जो विशेष धनदायक नहीं हो पाता, जबकि उच्च का होता है लगन में। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें षष्ठेश का लगन में होना, नवमेश का लगन में होना, तो मकर लगन के लिए बुध भी षष्ठेश और नवमेश होता है, लेकिन यहाँ बुध धनदायक होता है, जबकि बृहस्पति उतना लाभ नहीं देता। नियम एक ही है। यहाँ हम देखें कि लग्नेश यहाँ पर भी षष्ठेश है मकर लगन के लिए और कर्क में भी। अब इस कर्क लगन का विपरीत मकर लगन है, आप देखेंगे कर्क का विपरीत, और इस विपरीत में बुध यहाँ पे तीसरे और नौवें भाव के स्वामी हो जाते हैं। फिर बुध क्यों धनदायक होते हैं, बृहस्पति क्यों नहीं? तो इसका रीजन आप समझिए कि विशेष रूप से पराश्री जी कहते हैं कि मूल त्रिकोण राशि पर ध्यान दीजिए। मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर है? मकर लगन के लिए मरकरी की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव की है, भाग्य भाव की, ना कि छठे भाव की। और जो मूल त्रिकोण राशि है ये काल पुरुष की छठे भाव की राशि है, जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि बुध को छठे और आठवें भाव का जो प्रदोष है या दोष है वो नहीं लगता। तो यहां पर बुध षष्ठेश होते हुए भी अशुभ नहीं है, और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में जाने से बृहस्पति अपने पूरे लाभ नहीं दे पाता। बृहस्पति असाधारण से शुभ होते हुए भी एक साधारण ग्रह बन जाता है उच्च का होते हुए भी, और यहाँ पे बुध जो कि सदैव दूसरों के गुणों से चलता है, यह साधारण ग्रह होते हुए भी त्रिकोण की मूल राशि का स्वामी होने से एक विशिष्ट पदवी पा जाता है, त्रिकोणेश हो जाता है, जबकि दोनों के ही अपने मित्र राशि में है। जुपिटर अपने मित्र घर में है, शनि अपने जिसको मित्र मानता है उसको शत्रु तो नहीं मानता, शनि उसको मित्र मानता है, उसकी राशि में है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मेन हमें ये देखना है कि मूल त्रिकोण राशि किस भाव की है। यदि उसका स्वामी केंद्र और त्रिकोण का होकर मूल त्रिकोण का स्वामी लगन में हो जाए तो वह विशिष्ट धन देने वाला या शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। तो मित्रों, ये एक संबंध जो हम बहुत बार समझ चुके हैं श्री वीपी गोयल जी द्वारा भी, उसी का एक नियम अनुसार बुध पर भी देखें तो यहाँ पे त्रिकोण की मूल त्रिकोण राशि होने से वह धनदायक हो जाता है। अब कर्क लगन में बुध और शुक्र पंचम भाव में हो तो बुध अपनी दशा में अशुभ फल नहीं देता, वो शुभ फल ही प्रदान करता है, धन भी प्रदान करता है, जबकि यहाँ पर वो त्रिषडाया बारहवे और तीसरे भाव का स्वामी होता है, लेकिन अपने मित्र के साथ शत्रु भाव में युति करता है। वृश्चिक राशि में पंचम भाव में कर्क लगन के लिए शुक्र और बुध दो मित्र मिल जाते हैं शत्रु के घर में। अब इसमें भी शुक्र जो है वो लाभ देने वाला है, लाभ का स्वामी है, लाभ भाव को बलि कर रहा है, तो बुध जो लाभेश के साथ बैठा है
उसका मित्र लाभदायक लाभ देने वाला है, तो उसके प्रभाव से यह बुध अपनी दशा में धन प्राप्ति करवाता है। यहां वो धन का क्षय नहीं कराता, जबकि वो बारहवें और तीसरे घर का स्वामी है। फिर तीसरे से तीसरे में बैठा है, भावत भावम के भाव से बुध का महत्व, बुध के कारकत्व बढ़ जाते हैं। अब नवम से नवम में दो शुभ ग्रहों का बैठना, जिसमें एक ग्रह लाभेश है और एक भावत भावम में है, उसके कारण बुध यहां शुभ फल देने वाला हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें कुंडली में बहुत ध्यान से देखना है। अब एक बहुत ही अत्यंत शुभ योग जो बनता है, उस योग के बनने में कैसे ग्रह सहायक होते हैं, देखिए। यदि बुध शुक्र और चंद्रमा एकादश में हो, कर्क लगन वालों के लिए, बृहस्पति लगन में हो और सूर्य दशम में, तो ये एक विशेष योग का निर्माण करते हैं, जिसे महाराज योग की उपाधि दी गई है। इसे अनेक विद्वानों ने और ग्रंथकारों ने भी इस योग की बहुत प्रशंसा की है। बृहद जातक में भी इस योग की प्रशंसा करते हुए इसे ऐसे माना है कि ऐसा व्यक्ति उत्साही, गुणी और यशस्वी माना जाता है। अब पराश्री नियम को देखें, उन्होंने कैसे इसे विशेष धनदायक महाराज योग की संज्ञा दी है। हमारा राज्य सत्ता प्राप्ति करने के लिए क्या क्या बलि होना आवश्यक है, उसे देखें। लगन बलि हो, लग्नेश बलि हो, एकादशेश बलि हो, एकादश भाव बलि हो और दशम भाव बलि हो। तो राज्य सत्ता प्राप्ति के लिए लगन दशम, इसका भी बलि होना अति आवश्यक है, क्योंकि दशम भाव को तो राज्य माना ही जाता है। यहां लगन लग्नेश, चंद्र चंद्रेश और लाभेश, इसका बलि होना बहुत आवश्यक है। हम इस योग में देखें तो लगन में उच्च का बृहस्पति और लग्नेश चंद्रमा भी उच्च का, अपने स्वामी शुक्र से दृष्ट, शुक्र एकादशेष अपने भाव में स्वयं बैठा और साथ में बुध वहां पे अत्यंत शुभकारी हो गया। यहाँ पे एकादश भाव का स्वामी बलि होकर अन्य दो शुभ के साथ, चंद्रमा उच्च का होकर अन्य दो शुभ के साथ और बुध को भी शुभता मिल गई, जो कि अपने पराक्रम भाव से नवम भाव यानी पराक्रम का भाग्य बना दिया, बहुत ही सुंदर योग बना दिया। और सूर्य भी यहां उच्च के हो जाते हैं यदि वह दशम में हो जाते हैं, साथ ही वह धन के स्वामी भी हैं और ग्रहों के राजा हैं, राज सत्ता का भोग देते हैं। इसलिए इस योग को महाराज योग की संज्ञा दी गई है, जबकि यहाँ पे चंद्रमा पक्ष बलि नहीं है, फिर भी उच्च के होकर लग्नेश उच्च का अपने स्वामी से दृष्ट एकादश भाव में होने से और दो शुभ ग्रहों का साथ मिलने से यह एक अत्यंत सुंदर योग बन जाता है। और राज्य का स्वामी दशम भाव में उच्च का और सूर्य को यहाँ पे
दिग्बल भी प्राप्त होता है, जिसके कारण यह और भी बली योग बन जाता है। भाग्य भाव को भाग्य भाव का स्वामी देखता है। पंचम भाव पर उच्च के जुपिटर की दृष्टि पड़ने के कारण यह एक उत्तम योग में शामिल हो जाता है। हालांकि अभी जो हमने पिछले भाव में, पिछली स्लाइड में इसका जिक्र किया कि वो षष्ठेश का भी फल देगा, तो वह कुछ अड़चने या रोग या चिंताएं भी या कंपटीशन में स्पर्धा को बहुत अधिक बढ़ा सकता है, फिर भी ये महाराज योग की उत्पत्ति करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने इतने ध्यान से मुझे सुना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा और आप मुझे अपने सुझाव भेजते रहे। यदि आप मेरे साथ नक्षत्रा की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, विशोल्त्री और योगनी के कॉम्बिनेशन के साथ, उन दोनों दशाओं के कॉम्बिनेशन के साथ सभी नक्षत्रों को पढ़ाया जाएगा, तो आप मुझे मेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए जो सुविधा अनुसार समय रहेगा हम वही रखेंगे, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार बढ़ाते रहे और स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, वह अभी और थोड़ा बढ़ने वाला है, इसलिए इसका ख्याल रखें। धन्यवाद।